हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकिता अंकमोगा और दादू क्वेश्चन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जेक्वेरी की सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सो हाइट एंड टोगल मेथड के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और देखते हैं कि हमने क्या कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक डिव दी है, डिव को दिया है क्लास 1, और उसके बाद हमने इस 1 क्लास को यहाँ पर विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और मार्जिन दिया हुआ है। उसके बाद हमने बी आर टैग लगाया है, बटन बनाया जिसको हमने आईडी दी है शो, फिर दो बी आर टैग लगा के बटन बनाया जिसकी आईडी दी हमने हाइड, फिर दो बी आर टैग लगा के हमने बटन बनाया जिसकी आईडी दी हमने टोवल। फिर हमने जेक्वेरी की यहाँ पर एक फाइल को यहाँ पे हमने लिंक किया विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग, और देन हमने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया है, स्क्रिप्ट टैग को हमने क्लोज किया। तो बेसिकली यहाँ पर हम ना कोड लिखने वाले हैं। तो बेसिकली जो हम करने वाले हैं, जो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा वो यहाँ पर दिखेगा इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी जैसे पर्सन यहाँ पे शो पर क्लिक करेगा तो ये डिव शो हो जाएगी, हाइड पर क्लिक करेगा ये डिव हाइड हो जाएगी, और टोगल यहाँ पे हम इसको टोगल कर देते हैं। और टोगल का मतलब होता है कि हाइड जो काम हाइड से हो रहा है वही काम हमारा उससे हो जाए, बेसिकली टोगल बटन से हो जाए इस तरीके से। तो बेसिकली अब टोगल बटन पे क्या होता है कि अब टोगल पे आप क्लिक करेंगे तो पहले वो हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे फिर वो शो हो जाएगा। तो ये दोनों काम एक ही बटन काम करता है। तो इन तीनों हम मेथड्स को हम देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या, बेसिकली हमें करना इस डिव को पहले जेक्वेरी का बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे, लिखेंगे डॉलर, उसके बाद लिखेंगे डॉक्यूमेंट ब्रैकेट बंद डॉट रेडी, उसके बाद लिखेंगे फंक्शन ब्रैकेट बंद क्लोज सेमीकोलन। ये हमने जेक्वेरी का सिंपल एक बेसिक सिंटैक्स लिख लिया। तो अब हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरी जो ये डिव है ये शो हो जाए, ठीक है, या हाइड, पहले हम हाइड करेंगे उसके बाद शो, कि ये हाइड हो जाए। तो बेसिकली इस बटन पर क्लिक करने पर, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्टर बनाएंगे डॉलर, और आईडी है तो हैश लगा के कॉल करेंगे, और यहाँ पे हमने हाइड लिखा, उसके बाद डॉट। जैसे ही इस हाइड बटन पर कोई क्लिक करे, क्या करे, तो क्लिक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्लिक, उसके बाद यहाँ पर चले एक फंक्शन। जैसे ही इस हाइड बटन पर कोई क्लिक करेगा तो फंक्शन चलेगा, तो क्या हो जाएगा, मैं कराना चाहता हूं डॉलर इस डिव को हाइड। तो इस डिव को सेलेक्ट करने के लिए हम डॉट लगा के 1 लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको क्लास दिया हो यहाँ पर 1, इसको हम कर देंगे हाइड फंक्शन लगा के इस तरीके से, ठीक है। अब करते हैं रिफ्रेश, अब देखते हैं जैसे हाइड पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हाइड बटन पर क्लिक होते के साथ ही हमारी जो डिव है वो हाइड हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम शो पे करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वापिस सेम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहां पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। हमें सिर्फ सिलेक्टर चेंज करना है, हाइड की जगह पे आ जाएगा शो और यहां पर बटन आ जाएगा शो फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। रिफ्रेश करते हैं तो अब अगर हम हाइड पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो डिव है वो हाइड हो चुकी है, वापिस रिफ्रेश, हाइड किया, अब शो पे क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी, ये देखिए हाइड शो, हाइड पर क्लिक किया तो मेरे जो एलिमेंट है डिव वो हाइड हो गया, शो पे क्लिक किया तो यहाँ पर एलिमेंट ये शो हो चुका है। तीसरा जो बटन होता है हमारा टोगल, अगर उसको यूज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो हमें सिर्फ सिलेक्टर चेंज करना है यहाँ पे टोगल, और यहाँ पर हमें लिखना है टोगल, सेव किया और डन करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए इस टोगल बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी डिव हाइड हो गई, वापस इस टोगल बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी डिव शो हो गई। तो जो टोगल होता है वो हाइड और शो दोनों काम करता है, ऑन करना और ऑफ करना दोनों काम होते हैं इस टोगल बटन पे, हाइड किया शो किया टोगल किया वापस से टोगल किया, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हम हाइड शो टोगल फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हाइड फंक्शन है, शो फंक्शन है, टोगल फंक्शन है, ये कुछ प्रीडिफाइंड पैरामीटर भी लेते हैं। पैरामीटर पहला होता है कि इसकी आपको एनिमेशन, मतलब कि इसकी आपको ड्यूरेशन कितना देना है, इसको हाइड स्लो में इसको हाइड करवाना है या फास्ट में इसको हाइड करवाना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मैं देता हूं स्लो, ठीक है, तो हाइड होगा स्लो में। अब देखिए रिफ्रेश करते हैं, हाइड किया मैंने, ये देखिए शो किया, शो फास्ट हो रहा है लेकिन हाइड कितना स्लो हो रहा है। ऐसे ही हम शो में हम यहाँ पर लिख देंगे फास्ट कि जल्दी हो जाए, रिफ्रेश। तो हाइड पे क्लिक किया, जिस पर हाइड पे मैंने लिखा हुआ है स्लो, तो ये स्लो हो जाएगा। शो पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करते के साथ ही कितना फास्ट से हो रहा है। आप यहाँ पे प्रीडिफाइंड वैल्यू भी दे सकते हैं, नहीं तो आप न्यूमेरिक नंबर भी दे सकते हैं जिसको मिली सेकंड होता है,
1000 का मतलब होता है 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड। इस तरीके से यहाँ पे तो स्लो ही रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम 4000 मिलीसेकंड मतलब कि 4 सेकंड। रिफ्रेश करते हैं तो हमने हाइड में स्लो दिया तो हाइड होगा स्लो, ठीक है, और शो वाले बटन में हमने 4000 मिलीसेकंड दिया मतलब मिलीसेकंड दिया मतलब कि 4 सेकंड, और शो पर क्लिक करेंगे तो 4 सेकंड का समय लगाएगा इस डिव को शो करने में, इस तरीके से। तो आप सेम काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर आप लिख देंगे स्लो या फास्ट टॉगल में, तो देखिए टॉगल पर क्लिक किया तो हाइड हुआ स्लो, हाइड और शो हुआ स्लो। अगर आप यहाँ पर 4000 डाल देंगे या 3000 डाल देंगे तो उतना ही टाइम ये हाइड करने में लगाएगा, उतना ही टाइम इसको शो करने में लगाएगा। रिफ्रेश करते हैं, टॉगल पर क्लिक किया ये देखिए, वापस क्लिक किया ये देखिए। तो ये तो बात हुई इनकी प्री डिफाइंड एनिमेशन यूज करने का। तो यहाँ पर एक सेकंड पैरामीटर भी ये लेता है कोमे के बाद, एक फंक्शन। फंक्शन मतलब कि जब आपका ये, जब आपका इवेंट चल जाए, जब हाइड आपका जो एलिमेंट है वो हो जाए, उसके बाद अगर आप और कुछ काम करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना होता है कोमा लगा के, हम लिखेंगे फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर ली, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम अपना कोड चला सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अलर्ट, यहाँ पे अभी हम अलर्ट चलाएंगे, अलर्ट में हम लिखेंगे हाइड इवेंट, ठीक है। इसी तरीके से देखो, हाइड और शो और टोगल, ये जो तीन फंक्शन होते हैं ये दो पैरामीटर लेते हैं। पहला तो इनकी स्पीड, कि जो आप हाइड कर रहे हैं, शो करवा रहे हैं, वो कितनी स्पीड से करवा रहे हैं कोमा लगाने के बाद। दूसरा होता है फंक्शन, कि हाइड होने के बाद या शो होने के बाद और भी आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन लिखने के बाद इस फंक्शन में आप जो भी आप काम करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हम एक फंक्शन चला देते हैं, यहाँ पे भी अलर्ट चलाएंगे हम, जिसमें लिखेंगे हम शो, शो इवेंट। ऐसे ही हम यहाँ पर भी चलाते हैं एक फंक्शन, कि जब हमारा टॉगल बटन का इवेंट चले उसके बाद ये फंक्शन भी चलना चाहिए। इसमें हम कराएंगे टॉगल इवेंट, इस तरीके से सेव करते हैं। अब करते हैं रिफ्रेश, अब देखो शो पर क्लिक किया ये देखिए इवेंट चला, और उसके बाद यहाँ पे 1 सेकेंड शो, ये शो तो पहले से है ही है, क्योंकि ये हाई पहले हमें इसको हाइड करना होगा, शो तो पहले से ही है, तो उसने शो को ना चला के डायरेक्ट इसका इवेंट चला दिया। तो पहले हम हाइड करते हैं, ये देखिए हाइड हुआ और इवेंट चल गया, हाइड इवेंट। तो बेसिकली हुआ कैसे कि हाइड बटन पर जैसे मैंने क्लिक किया तो बेसिकली पहले तो उसने स्लो किया, स्लो से इसको हाइड किया, कोमे के बाद इसको दूसरा पैरामीटर मिला जिसमें फंक्शन था, उस फंक्शन में हमने लिखा था अलर्ट, तो उसने अलर्ट शो कर दिया। ऐसे हम शो पे क्लिक करते हैं तो पहले शो करेगा इसको, और इस स्लो 4000 मतलब कि 4 सेकंड का समय लेके कर रहा है, और उसके बाद ये फंक्शन चल गया शो इवेंट, ठीक है। ऐसे ही टॉगल पर क्लिक करेंगे तो पहले इसको ये हाइड करेगा 3 सेकंड का टाइम लेकर, उसके बाद ये इवेंट चलाएगा टॉगल इवेंट। दोबारा क्लिक करेंगे तो इसको शो करेगा 3 सेकंड का टाइम लगाकर, और फिर इवेंट चलाएगा। 3 सेकंड का टाइम क्यों लगाया, क्योंकि हमने 3000 यहाँ पे मिली सेकेंड दिया, जिसका मतलब होता है 3 सेकेंड। तो बेसिकली फ्रेंड इस तरीके से यूज किया जाता है जेक्वेरी में हाइड शो और टॉगल बटन, जो कि हाइड मतलब कि किसी भी इवेंट को आप हाइड कर सकते हो, शो किसी भी इवेंट को आप शो करवा सकते हो, और टॉगल मतलब कि शो और हाइड दोनों काम आप किसी का भी एलिमेंट पर इस फंक्शन से, इस मेथड से आप टॉगल से कर सकते हैं। और हाइड शो टॉगल दो पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर आपका स्पीड जाएगा, और दो कोमा लगाने के बाद दूसरा पैरामीटर जाएगा आपका फंक्शन, उस फंक्शन में आप जो भी काम कराना चाहते हैं वो आप काम अपना करवा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल आई होगी, और इसमें आपने सीखा कि इस तरीके से जेक्वेरी में स्लो, हाइड और टॉगल मेथड्स का यूज किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।